दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिना कंप्यूटर के सैमसंग के किसी भी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ें, कैसे अनलॉक करें। दोस्तों आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई भी मोबाइल है, पुराना मॉडल हो या नया मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो, और आपके किसी भी सैमसंग मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा हुआ है, चाहे वो पिन लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, पासवर्ड लॉक हो, किसी भी तरह का लॉक हो, और दोस्तों आप उस लॉक को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, आपने पूरी कोशिश कर ली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ सैमसंग के किसी भी मोबाइल का लॉक कैसे अनलॉक करें, कैसे रिमूव करें। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे पास में आज ये सैमसंग का फ़ोन आया है, तो दोस्तों इसमें पिन लॉक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो सैमसंग के किसी भी मोबाइल का लॉक कैसे अनलॉक करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों हमें क्या करना है, दोस्तों हमें वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की, इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। फिर तीनों बटन छोड़ के वॉल्यूम अप और पावर की प्रेस करें। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहें, फिर पावर की छोड़ देनी है। दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो चालू हो गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें अपने फ़ोन में चार्जर की यूएसबी केबल को लगा देनी है। और दोस्तों चार्जर की यूएसबी केबल लगाने के बाद दोस्तों चार्जर की यूएसबी केबल लगाने के बाद हमें फिर से वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की, इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। फ़ोन ऑफ होने के बाद तीनों बटन छोड़ देने हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें वॉल्यूम अप और पावर की, सिर्फ इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। फिर पावर की छोड़ देनी है। दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो रिकवरी मोड में आ चुका है। अब दोस्तों हमें वॉल्यूम डाउन वाली की प्रेस करनी है। दोस्तों अगर आपका फ़ोन इस तरीके से रिकवरी मोड में ना आए तो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा आप अपने सैमसंग के किसी भी मोबाइल को रिकवरी मोड में कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें फैक्ट्री सेट पर ला के पावर की प्रेस करनी है, फिर वॉल्यूम डाउन, फिर पावर की। दोस्तों हमारा जो फ़ोन है फॉर्मेट हो चुका है, ये आप देख सकते हो। अब दोस्तों पावर की दबा के हमें अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन को चालू होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब तक कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वरना आप अपने फ़ोन का FRP लॉक बाईपास नहीं कर पाओगे। दोस्तों हमारे जो फ़ोन है वो चालू हो चुका है। अब दोस्तों हमें स्टार्ट पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट, फिर स्किप करें, फिर डोंट कॉपी, फिर नेक्स्ट, फिर इसको ऊपर करें, फिर इस पर क्लिक करें, फिर स्किप, फिर स्किप, फिर नेक्स्ट, फिर स्किप,
फिर स्कीप, फिर फिनिश। दोस्तों अगर आपका फ़ोन इस तरीके से रिकवरी मोड में ना आए तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक डाल रखी है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और फेसबुक पे भी। तो दोस्तों हमारे फ़ोन में जो लॉक था वो अनलॉक हो चुका है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी।